दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिनर के बारे में। जैसा कि पहले हमने बताया कि दागों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में उन्हीं धागों को रखा गया है जो लंबे रेशे होते हैं, यानी फिलामेंट जिसे कहते हैं। यहाँ पे सिल्क भी उन्हीं में से एक है। सिल्क के धागे लंबे होते हैं, इसको डेनियर नाम दिया गया है। इसे जो काउंट निकाला जाता है उसको डेनियर कहा जाता है। इसमें 9000 मीटर लंबे धागे का वजन जितना ग्राम हो वही उसका काउंट होता है। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन का जो ढंग होगा, जो लिखने का तरीका होगा, वो W/L होगा। W/L का मतलब होता है वेट इन ग्राम, लेंथ इन मीटर। हमारे पास एक धागा है, इसका डिनियर में कैलकुलेशन हम करेंगे। देखते हैं इसका डिनियर कितना आता है। वो धागा यहाँ पे है, इस धागे का टोटल लंबाई जो है यहाँ पर हमने मीटर में दिया हुआ है। वजन हमारा है 31.5 ग्राम और लंबाई है 2065। जैसा कि हमने बताया कि लंबाई हमारा फिक्स रहता है, लंबाई 9000 मीटर रहेगा। 2065 से हम तकसीम कर देंगे 31.50 में, और फिर 9000 से उसमें गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो 137.28। ये हमारा डिनियर होगा 137.28। ये डिनियर है धागे का, इसको एक साथ देखेंगे आप।